नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल जॉब इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, हमने एक वीडियो डाला था CISF जो ट्रेडमैन के फॉरम निकले थे, वो फॉरम आपको किस प्रकार भरना है और कितनी वो वैकेंसी थी, वो सारी जानकारी आपको बता दिया था वीडियो में। तो आज का ये वीडियो है, ये उसी के ऊपर है और ये वीडियो है एडमिट कार्ड के लिए। जो ट्रेडमैन के फॉरम भरे गए थे वो एडमिट कार्ड है, वो CISF ने जारी कर दिए हैं। तो आपको एडमिट कार्ड है वो किस प्रकार अपना डाउनलोड करना है, तो ये सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे बहुत सारे एजुकेशन और जॉब से संबंधित वीडियो है वो आप देख सकते हैं, और जो नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए हम अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि अपने गूगल ब्राउज़र में जाना आपको, ठीक है। कोई भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं उसमें जाना है, चाहे वो गूगल ब्राउज़र क्रोम हो या फिर मोजिला फायरफॉक्स हो। उसमें आपको लिखना है गूगल में जाने के बाद में सिंपली आपको लिखना है CISF, ठीक है, और सर्च कर देना है। CISF लिखने के बाद में नीचे देखिए, नीचे आते हो आप तो यहाँ पे ये देखिए अप्लाई लिखा हुआ है, अप्लाई पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करते हो तो मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार फॉर्म अप्लाई करना है, तो वही विंडो ओपन हो गया यहाँ पे, रजिस्टर व्यू एंड रजिस्ट्रेशन, और नीचे है एक पार्ट आएगा अप्लाई का, ठीक है। ये पार्ट देखिए आप, अप्लाई का पार्ट आएगा। तो अप्लाई का जो पार्ट है इसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और नीचे पासवर्ड डालना है। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, पासवर्ड नहीं है, तो यहाँ देख रहे हैं आप फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ अपने बेसिक डिटेल्स मांगेगा, वो भरने के बाद में सबमिट कर देना। तो आपने जो फॉर्म में मोबाइल नंबर दिए हैं अपने, उस पर आपको आईडी और जो पासवर्ड है वो CISF भेज देगा, तो वो लगा करके आप यहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि किस प्रकार डालना है। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालना है, तो वो नंबर इस प्रकार से होगा आपका CISF, फिर उसके बाद में, ठीक है, ये इतना CISF नंबर होगा, उसके बाद में होगा आपका पासवर्ड, पासवर्ड डालने के बाद में आपको क्या करना है कि सबमिट देख रहे हो आप, सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है। पासवर्ड को सेव रखना चाहते हो सेव कर लीजिए, वरना आप नेवर कर दीजिए। अगर आप पीसी में कर रहे हो तो डोंट सेव कर दीजिए। अब आपको यहाँ पे दे रखा है आपकी जो आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो गया है, जैसे मेरा अकाउंट है वो ओपन हो गया है, और यहाँ मुझे दो फॉर्म दिखा रहा है, कांस्टेबल ट्रेडमैन 2017 और कांस्टेबल फायर 2017। तो कांस्टेबल फायर 2017 है, ये तो अभी चल रहे हैं फॉर्म, ठीक है। हमने फॉर्म लगाया है कांस्टेबल ट्रेडमैन का, तो हम यहाँ ट्रेडमैन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर दे दिया है, एक मैसेज आया है मेरे पास मैसेज आया कि इनवैलिड रजिस्ट्रेशन आईडी और योर एप्लीकेशन वाज रिजेक्टेड, ठीक है। ये मुझे मैसेज क्यों मिला है, क्योंकि मैंने CISF ट्रेडमैन का फॉर्म है वो अप्लाई किया था लेकिन मैंने पेमेंट नहीं किया था, ठीक है। तो मेरा जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया है, और आप ऐसे ही अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड लगा के सबमिट करोगे तो आपके पास में डायरेक्ट आपका यहाँ पे जो एडमिट कार्ड है, जो फिजिकल का एडमिट कार्ड है PST, वो एडमिट कार्ड यहाँ पे आ जाएगा, आप उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा। अगर दोस्तों आपको ये प्रिंट आउट लेने में और एडमिट कार्ड निकालने में कोई परेशानी आती है, तो आप मुझे नीचे कमेंट में अपने सुझाव और सवाल हैं वो बता सकते हैं, आपके हर कमेंट का जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अपने सोशल साइट जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक पे भी आप भेज दीजिए, ताकि जो कैंडिडेट हैं जो CISF का फॉर्म अप्लाई किया है ट्रेडमैन के लिए, उनको पता लग जाए कि जो एडमिट कार्ड है वो CISF ने जारी कर दिया है, और हमारे वीडियो के माध्यम से वो चेक कर सकें कि किस प्रकार एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड करना है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।